एके मिश्रा साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक। मिश्रा जी का बहुत स्वागत है। मिश्रा जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास चलूंगा। क्योंकि राजनीतिक लोगों में तो भाई ठीक है, जो पार्टी के प्रवक्ता वो यही कहेगा कि हमारी पार्टी ही सबसे आगे है। एक ओवरऑल व्यू आपको क्या समझ में आ रहा है उत्तर प्रदेश में, एक प्रश्न। दूसरा, ये 24 के बड़े इम्तिहान से पहले का छोटा इम्तिहान है, फाइनल से पहले का सेमीफाइनल मान लें, कुछ भी मान लें, कोई शब्द दे दें इसको, लेकिन एक 24 से पहले की ये अंतिम राय शुमारी है, पॉलिटिकल रेफरेंडम। क्या असर देख रहे हैं आप इसका फिर 24 पर? अमिताभ जी, एक तो हमारे धन है भाग्य की आप डिबेट की शुरुआत लगभग हम ही से करते हैं, ये एक सम्मान का विषय है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, ये क्या तरह के चुनाव हो रहे हैं, तो एसिड के उसके कुछ कारण है। जो नगर निकाय के मनोनीत हुए सदस्य कहेंगे, जनता से फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे सरकार की जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, जब यानी गली मोहल्ले में किसका दबदबा रहेगा पार्टी का, ये डिसाइड हो जाता है। एक तो इसका इम्पोर्टेंस हो गया। जो दूसरा आपने पूछा, ये सेमीफाइनल या फाइनल है, मैं इसको फाइनल मानूंगा। उसके पीछे कारण है, इन निकाय चुनावों में कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम प्रभावित नहीं कर पाता है लोगों को। आप ये देखिए, टीवी पे एडवर्टीजमेंट तो इसका हो नहीं रहा है कि भाई फलाने प्रत्याशी को जिताइए या पार्टी को, ये हार्डकोर पॉलिटिकल कैंपेनिंग होती है और ग्राउंड में जिसकी पकड़ होगी वो उसका रिजल्ट आता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन लीड करेगा, ये आपने शुरू में ही बता दिया। जो गंभीर है, आप ये देखिए, एक आदमी योगी आदित्यनाथ जी 50-55 सभाएं कर रहे हैं, बहुत माइक्रो लेवल पे चीजों को कर रहे हैं। मायावती जी महल से निकली ही नहीं, और अखिलेश यादव जो भैया जी हैं, उन्होंने तो ये बोल, वो एक दिन बोल देंगे सिंहासन खाली करो, हम आ रहे हैं, उनको इसी से सत्ता मिल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप ये समझिए, जिसने इसको भेद लिया, आप ये समझ लीजिए कि उसने अंतिम द्वार को भेद लिया। ये बेस है, न्यू को मजबूत करना है, अगले बार आगे जो चुनाव होंगे यहीं से सारी व्यवस्था और पकड़ आपके एक एक वोटर, गली मोहल्ले के वोटरों पे अगर आपकी पकड़ बनेगी, इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी आएगी, तो इन्हीं चुनावों से ठीक बात है जी, ये तैयारी है। ठीक बात मिश्रा जी। पांच छह इश्यूज मुझे लगता है उन सब पर रेफरेंडम हो जाएगा इस चुनाव में। अतीक मुख्तार शॉर्ट में, उसके आगे का समय मतलब अगर मैं अतीक मुख्तार बोलूं तो वो विषय, वो घटनाक्रम, अतीक मुख्तार हो जाएंगे। शिवपाल यादव, अखिलेश यादव का पुनर्मिलन कसौटी पे आ जाएगा। भूपेन चौधरी भाजपा के नए अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में पहला चुनाव है, तो वो भी तराजू पे है कि उनमें क्या है स्थिति। कांग्रेस ने प्रांत में अध्यक्ष बांटे, एक प्रयोग किया, उस प्रयोग का क्या स्थिति परिस्थिति है, 2% से आगे कहां तक गए नहीं गए, गांधी परिवार के अलग रहने से क्या स्थिति, यह भी तराजू पर तुल जाएगा। मायावती जी का मौन तराजू पर तुल जाएगा। और आम आदमी पार्टी जैसे जो दल हैं उनकी उत्तर प्रदेश में कितनी स्वीकार्यता बढ़ी है, ये इन सब बिंदुओं पर फैसला आ जाएगा इसके जरिए। बिल्कुल आप जी, मल्टी लेयर जो छटनी होती है ना, जैसे आपने देखा होगा वाटर प्यूरिफिकेशन या किसी के लिए, कि विभिन्न प्रकार के तरीकों को, चीजों को अलग अलग वो कर देती है ऐसी कोई युक्ति या मशीन। तो ये जो निकाय के चुनाव है, मैं इसको मल्टी लेयर छन्नी मानता हूँ। नेता कौन होगा प्रदेश का, बूथ लेवल का नेता कौन होगा, निकाय लेवल पे नेता कौन होगा, शहर लेवल पे मुद्दों में, ये पार्टी में, वो पार्टी में, दो से ज्यादा पार्टियों में, जितने भी पैरामीटर आप पॉलिटिक्स का बना सकते हैं किसी भी रूप में, किसी भी काल और परिस्थिति के लिए, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए, वो सारे यहाँ पे अवयव जो है वो पृथक पृथक हो करके इतना स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं कि पार्टियों के अंदर जब एनालिसिस होगी, उनके जो अध्यक्ष वगैरह करेंगे, पार्टी के हेड वगैरह, तो उनको सारी चीजें एकदम क्लिस्टर, कितना हट्टा कट्टा मोटा है राजनीति में, मजबूत है, कौन कितने पानी में, ठीक बात, हाँ कौन कितने पानी में है, वो पूरा असमर्थ पॉलिटिक्स का लैक्टोमीटर है, ये मान के चलिए जी। मिश्रा जी, 13 तारीख को इस समय
इस तर्क का क्या मोल होगा? मेरे हिसाब से 2 पैसा भी नहीं होगा। और इस बात का क्या अर्थ होगा कि रामलाल को क्यों टिकट दिया तुमने और श्यामलाल को क्यों नहीं दिया? कोई अर्थ नहीं होगा, नहीं ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। अमिताभ, वो श्यामलाल पहले क्या करते थे, मूंगफली बेचते थे कि समोसा बेचते थे, इससे पे 13 तारीख को तो कोई फर्क नहीं। ये मुद्दे थे कैंपेन में उठते, नहीं कि आप दूसरा। और दूसरी बात, एक और भी मैं बड़ा मसला है, मैं पार्टी चला रहा हूं, मैंने AK मिश्रा जी को जांच परख के टिकट दिया क्या, और पर्चे नामांकन से 2 घंटा पहले, नामांकन खत्म होने से पहले मिश्रा जी चले गए, तो ये मेरी बुद्धि पर भी सवाल है ना, मैंने गलत आदमी को चुना क्यों? नहीं मिश्रा जी, नहीं बिल्कुल। देखिए अमिताभ जी, रिजल्ट आ जाने के बाद जब इलेक्शन कमीशन या इन सब का मोहर लग जाएगा, तो उसके बाद तो सारे तर्क वितर्क डिबेट वगैरह सब चीजें पटाक्षेप हो जाएंगी, फिर तो कोई मतलब ही नहीं। और मैं एक चीज और बताऊं, चुनाव में अगर व्यक्ति कोई बहुत बड़ा विवादित व्यक्ति नहीं है, तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आधे घंटे पहले, एक दिन पहले कोई आ गया, कोई चला गया, उसको टिकट क्यों दिया? आप चिल्लाते रहिए, आप लगाते रहिए अपनी संतुष्टि के लिए, हालांकि इन मुद्दों पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। विशेष परिस्थिति हो तो वो अलग है, तो ये तो बातें ही चाहिए। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये देखता हूँ, 10 राइफल में एक संतोष और गधा मरलस तनिको न दोष, भारतीय जनता पार्टी अगर करे तो मिश्रा जी कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरी पार्टी करे तो सारा दोष पड़ता है, क्योंकि 10 लेखन में एक संतोष और गधा हमारा तनिको न दोष। जब पंडित जी को पता चल गया कि जो संतोष है वो हमारा दोष लगना है। मैं बीजेपी को भी बोल रहा हूँ, बहुत सारे चुनाव में बीजेपी के भी कैंडिडेट आपके यहाँ चले जाते हैं, दूसरों, मैं सारी पार्टियों के लिए बोल रहा हूँ, उसको अदरवाइज मत लीजिए। मेन होता है हर चुनाव में जो मुद्दे, मैं ये देखता हूँ कि कई पॉलिटिकल पार्टियां, उनके लीडर बड़े मायोपिक होते हैं। सत्य मायोपिक होने का मतलब वो चीजों को एक हेलुसिनोजेनिक नेचर से देखते हैं, कहीं आत्ममुग्धता के नेचर से देखते हैं कि हमने पर्चा भर दिया, कैंपेन कर दिया तो हम ही जीतेंगे। ये प्रश्न भी या ये तर्क भी उसी कैटेगरी में आता है, दीवा स्वप्न की तरह, कि भाई आपने फलाने आदमी को हटा करके या आपको नहीं मिला तो उनको दिया, तो इस कारण आप चुनाव हार जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अरे उनको कोई सुटेबल कैंडिडेट मिला, बल्कि मैं तो इस चीज को ज्यादा प्रमोट करता हूँ कि अगर आपको कोई सुटेबल कैंडिडेट मिले ना, तो सात समंदर पार से भी आप बुला के लाइए, बशर्ते वो नियम और शर्तों को पूरा करता है। कैंडिडेट सुटेबल होना चाहिए, चुनाव जिताऊ होना चाहिए, लक्ष्य आपका चुनाव जीतने वाला है। आप मुझे ये बताइए, समाजवादी पार्टी और बसपा अतीक अहमद जैसे को कौन से गुण के कारण टिकट देती रही है? एक अच्छा गुण बताइए जो उनको टिकट देती रही है, क्या वो टिकट लेते रहे हैं? लेकिन वो तो खैर ये कोई विषय नहीं, ये विषय समाजवादी पार्टी ने उठाई गलत दिया, और विषयों पर खेलती ज्यादा बेहतर होता, वो विषय नहीं। ठीक, अभी नहीं, कभी जब दोबारा में आएंगे आपके पास गोविंदा। ठीक, अरे भाई रुकिए, अमिताभ बच्चन चुनाव लड़े, हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे बड़े नेता खेला, बताए अमिताभ बच्चन उससे पहले क्या जानते थे राजनीति जी? AK मिश्रा जी, अगर एक दौर में कहा जाता था कि दीनदयाल जी के समय में, भाऊराव जी के समय में, कि भाई गाजीपुर जीत लेंगे हैं, तो उस दिन समझ लीजिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश जीत लिया। नगर निकाय के चुनाव में मुझे लगता है वैसा रूपक अगर देना हो तो मेरठ है, मेरठ में मेयर जीत, जनसंघ बना ले, भाजपा बना ले, तो मान लिया जाएगा मामला फिर ठीक है। एक तो ये विषय, दूसरा आपका अगर हम ये कहें कि ऐसी 3 कसौटी बताइए जिस पर 13 को टिका जाए कि भाई ये चुनाव इन कसौटियों पर हुआ था, अब किसी के पक्ष में गया तो उसकी व्याख्या ये, और किसी के खिलाफ गया तो उसकी व्याख्या ये, ऐसी कसौटियां कौन सी हैं? देखिए पहली कसौटी तो ये होगी इस चुनाव के लिए जी, कि कैंडिडेट है उसमें कितना दम है, वो कितने पानी में है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे कैंडिडेट केवल पार्टी के इमेज मेकिंग एक्टिविटी के कारण बन जाए, लोकसभा में ये हो सकता है, विधानसभा में हो सकता है। तो कैंडिडेट का अपना जो वजूद होता है वो बड़ा मायने रखता है, गली मोहल्ले वाले सब कुछ जानते रहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी चीज ये होगी कि कैंडिडेट के बाद जो दूसरा सबसे इसमें मुख्य बिंदु होगा वो होगा पार्टी का, पार्टी का वहां पे ये देखा जाएगा कि पार्टी ने
वाकई में कैंडिडेट के सिलेक्शन में न्याय किया है कि नहीं किया है, कि वही चला कि जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं उनको दे दिया, और जो सड़क और नाली पे खड़ंजे पे दिन भर खड़ा होकर के सेवा करता रहा, जो राजनीति का असली मकसद है, उसको नेपथ्य में डाल दिया। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट कसौटी ये होगी कि ये एक बहुत बड़ा सबक होगा। हो सकता है अभी बहुत से लोगों के ऊपर जीत की अग्रिम कुमारी हो या कुछ भी हो, मेरी शुभकामनाएं हैं, वो पर्दा जो आंख पे पड़ा है वो हट जाएगा। अगर नहीं हटेगा तो आप मान के चलिएगा कि उनको जो है राजनीति में कोई सफल नहीं बना सकता है। आंखों पे जितने पर्दे पड़े हैं, मीडिया में भले ना बोले, टीवी पे भले ना बोले, आपके साथ भले ना बोले, लेकिन पार्टी के कक्ष में जब डिस्कशन होगा तो वहां पे तो उनकी आंखों से ये पर्दा हट जाना चाहिए। ये तीसरी सबसे बड़ी कसौटी मैं मानता हूं।